क्या आपने कभी ये सुना है कि जनता ऐसे प्रत्याशी को वोट डाल करके जीत दिला देती है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं? क्यों चौंक गए ना आप? क्या आपने कभी ये सुना है कि जनता ऐसे प्रत्याशी को विजयी बना चुकी है जिसकी काफी दिन पहले मौत हो चुकी है? ऐसा ही चौंकाने वाला मामला अमरोहा जनपद से सामने आया है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं, कुछ के हिस्से जीत तो कुछ के हिस्से हार आई है। जो जीते हैं वो अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और जो हारे हैं वो अपनी हार पर मंथन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ चौंकाने वाली कहानियां भी निकल करके सामने आ रही हैं, जिनमें से एक है अमरोहा जनपद की, जो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। अमरोहा जनपद के हसनपुरा के वार्ड नंबर 17 की यह कहानी। यहां से आयशा बी नाम की प्रत्याशी पार्षद पद के लिए मैदान में थी। वो आयशा भी जिनके लिए जनता कहती है सादगी से भरी हुई, लोगों का भरोसा जीत लेने वाली और जनता के लिए काम करने वाली बेहद मेहनती और जुझारू प्रत्याशी। अब दुखद ये कि 16 तारीख के आसपास आयशा भी की तरफ से नामांकन भरा गया। करीब 30 साल की आयशा भी, कहा जा रहा है कि 6 से 7 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी, जिसके बाद वो अपने चुनाव की तैयारियों में लग गई थी। 16 को नामांकन भरती है लेकिन 20 तारीख को प्रत्याशी की मौत हो जाती है। मौत का कारण पेट की कोई बीमारी बताया जा रहा है कि वो एक बीमारी से जूझ रही थी जिसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन अफसोस उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको बचाया नहीं जा सका। 20 अप्रैल को प्रत्याशी की मौत हो जाती है। उसके बाद एक लंबा वक्त था क्योंकि निकाय चुनाव के दोनों चरण के मतदान या तो 4 मई को हुए हैं या 11 मई को हुए हैं और 20 अप्रैल को मौत होती है। इतने लंबे वक्त के बाद भी लोगों ने उसी प्रत्याशी को चुना। नाम वापस नहीं लिया गया आयशा बी की तरफ से क्योंकि नामांकन उनका पूरी तरीके से फाइल हो चुका था। हालांकि प्रचार प्रसार कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि प्रत्याशी अब इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन उसकी सादगी लोगों को भा गई। जब नतीजे निकले तो चौंकाने वाले थे। आयशा बी जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं, उनको करीब 694 के आसपास वोट मिले थे और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 400 कुछ के आसपास वोट मिले थे। सीधा 200 से ज्यादा का मार्जिन था। अब सोचिए उस प्रत्याशी की जनता के बीच कैसी पकड़ होगी, कैसी पैठ होगी और जनता उसे कितना पसंद करती होगी कि ये जानते हुए भी कि ये प्रत्याशी हम सबके बीच नहीं है, अगर चुन भी लिया तो ये काम नहीं करेगा, तब भी उसे वोट डाल करके जीता है। अमरोहा से आई इस खबर ने सबको चौंका दिया कि चुनाव में जनता और प्रत्याशी, जनता और उसके नेता के बीच इस तरह का भी मजबूत बंधन हो सकता है कि मरने के बाद भी उसी के नाम पर वोट डाल दिया जाए। हालांकि अब आगे की जो भी प्रक्रिया होगी कानून के तहत कि चुनाव दोबारा करवाए जाएं या फिर किस तरह जो कैंडिडेट वहां जीता है दूसरे नंबर पर है उसी को स्थान दिया जाए, ये सब तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन जनता का ये जवाब बेहद चौंकाने वाला था, इसलिए ये खबर हमने आप तक पहुंचाई। ऐसी ही और चौंकाने वाली खबरों और लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।